स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। देखिए, नोटपैड का हमने पार्ट वन वीडियो बनाया है जिसमें आपको फाइल मेनू के बारे में बता दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर नोटपैड टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। इसको मैक्सिमाइज से फुल कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फाइल मेनू के बारे में हमने आपको बता दिया था, बेसिक थोड़ा बहुत भी बताए थे कि कैसे टाइप करते हैं और कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ के बारे में बताए थे, स्विफ्ट बटन का क्या काम है, कैप्स लॉक का क्या काम है, टैब के बारे में बताए थे, स्पेस से क्या होता है, गैपिंग थोड़ा सा छूटता है, ये सब बता दिए थे। अब आज पार्ट टू वीडियो में जानेंगे एडिट के बारे में। देखिए, एडिट मेनू के बारे में, ये अंडो कट कॉपी पेस्ट के बारे में हम सब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ लिख लेते हैं कीबोर्ड में। माई नेम इज सलमान हुसैन। ठीक, लिखने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है या आप माउस को, देखिए यहाँ पर कर्सर है, कर्सर को यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और खींचना है उस साइड, तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करिए, सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको प्रेस पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपल सेलेक्ट इसको करके यहाँ से एडिट ऑप्शन में जाके यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट, या आप कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर सकते हैं बटन को। ठीक, अब देखिए, गलती से हम कुछ लिखे थे और डिलीट हो गया हो, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए ये सब सेलेक्ट किए हैं, ऐसे ही मान लीजिए सिर्फ इतना सेलेक्ट किए हैं, सलमान हुसैन सेलेक्ट किए हैं। अब इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं, गलती से डिलीट हो गया, इसको वापस लाना है, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए, फिर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन पता चल गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं या कीबोर्ड से। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अब कट के बारे में जानते हैं। कट देखिए, आप चाहते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हम कट कॉपी पेस्ट तीनों चीज़ एक साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कट के बारे में। देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो ये हम सिलेक्ट करेंगे, इतना सलमान हुसैन को सिलेक्ट किए हैं, हम चाहते हैं कि ये कट हो जाए, यहाँ से कट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस एक्स करिए, या यहाँ से आप कट दबाइए। उसके बाद यहाँ पे जो कर्जर है, कर्जर जहाँ रहेगा वहीं हमको पेस्ट करना है। अब मान लीजिए थोड़ा टैब दबा के कर्जर आगे ले लिए, यहाँ ले लिए हैं, अब यहाँ पे कंट्रोल भी दबाएंगे या यहाँ से आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। फिर एक बार पेस्ट करिए, यहाँ आएगा। आप कंट्रोल भी प्रेस करिए, सबसे अच्छा है शॉर्टकट की, अब यहाँ पे आते रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए कर्सर को हम यहाँ ला दें तो इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद फिर टैब दबाइए, कर्सर यहाँ आ गया। अब यहाँ कंट्रोल भी प्रेस करिएगा तो यहाँ आएगा। अब ऐसे ही हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जो पहले की तरह हम कर देते हैं ताकि मुझे सब डिलीट नहीं करना पड़ता। ठीक है, कट का मतलब अब जान गए, एक बार और जान लीजिए। मान लीजिए इतना हुसैन को सिलेक्ट किए हैं, अब कंट्रोल एक्स प्रेस करिए या यहाँ से कट प्रेस करिए। तो चलिए, यहाँ से हम कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम इंटर को दबा के कर्सर को यहाँ लाते हैं, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा। यहाँ से मतलब कट का मतलब होता है यहाँ से हटा के कहीं और रखना। ठीक है, कंट्रोल जेड फिर प्रेस कर लेते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए हम सबको सेलेक्ट किए हैं, अब यहाँ से हम कर दें इसको कॉपी। कॉपी का क्या मतलब होता है, कंट्रोल प्लस सी, इसका शॉर्टकट होता है। तो देखिए, कॉपी का मतलब होता है कि इसी का डुप्लीकेट बनाएगा। तब या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी दबा लीजिए या यहाँ से कंट्रोल सी दबाइए, यहाँ से कॉपी दबाइए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको बाद कॉपी करने के बाद आप चाहते हैं कि इसको पेस्ट करना है, तो आप कर्जर जहाँ रहेगा, अभी बता रहे हैं कर्जर जहाँ रहेगा आप पेस्ट करिएगा तो वहीं से आएगा वर्ड। अब देखिए आने लगा, अब कर्जर को हम नीचे ले लेते हैं, अब यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ आने लगा है आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया, कट कॉपी पेस्ट। कॉपी का मतलब होता है उसी का डुप्लीकेट बनाते चलेगा। अब मान लीजिए इसी में से हम इतना सलमान हुसैन सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ से थोड़ी हट रहा है, कट में यहाँ से हट के कहीं और रख देते थे उसको। ठीक है, अब इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो
आपका आते रहेगा। कंट्रोल भी जितना बार प्रेस करिएगा उतना बार आएगा। एक बार कॉपी करने के बाद जितना बार आप पेस्ट करिए उतना बार रिपीट आते रहेगा, ठीक है। अब कंट्रोल ए सेलेक्ट करें और डिलीट दबा दें, ठीक है। सारी चीज़ डिलीट हो गई। पेस्ट के बारे में जान लिए, डिलीट के भी बारे में जान लिए। अब फिलहाल हम फाइंड और फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस रिप्लेस गो टू सेलेक्ट ऑल टाइम डेट, देखिए टाइम और डेट इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी ये चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फाइंड के बारे में। देखिए यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाएंगे, अब फाइंड के बारे में जानेंगे। देखिए ये अभी बताते हैं आपको, ऐसे ही सिंपल बता देते हैं। अगर सर्च विथ बिंग लिख रहे हैं, मान लीजिए इसको लुक्स को हमने सेलेक्ट किया है, सिर्फ लुक्स को। अब आप एडिट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप सर्च विथ बिंग करेंगे तो अगर नेट रहेगा तो आपको नेट पे सर्च करने लगेगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं, कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके। मान लीजिए इतना ही वर्ड में हम सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद यहाँ पर सर्च विथ बिंग करेंगे, अगर इंटरनेट आपको कनेक्ट रहेगा तो आप इंटरनेट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और फाइंड के बारे में चलिए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा फाइंड के बारे में। फाइंड अगर समझ गए तभी आपको रिप्लेस समझ में आएगा। ऐसे देखिए, अब मान लीजिए कि ये फाइंड क्या कहता है। फाइंड क्लिक करिए, फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे इतनी सारी ऑप्शन है जो थी इसको हमने अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना। हम चाहते हैं कुछ इसमें से सर्च करना है मुझे, तो एक बात बताइए, हम चाहते हैं कि मुझे सर्च करना है कैन, CAN। कहने का मतलब है यहाँ फाइंड वाट पूछ रहा है, मतलब क्या आपको फाइंड करना है। ये इतनी सारी वर्ड में से मुझे सिर्फ कैन को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कैन है। अब चलते हैं फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन के मदद से डाउन से शुरू होगा, तो फाइंड नेक्स्ट करिए आपका डाउन की तरफ, ऊपर से डाउन की तरफ आएगा। और ऐसे ही मान लीजिए कैन को आप ढूंढ रहे हैं, आसानी से यहाँ से कैन ढूंढ सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट करिए। और ऐसे ही आप अप कर दीजिएगा तो अप की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे बुझ रहा है कैन नॉट फाइंड कैन, मतलब कि इसका अब ऊपर यहाँ से मेरा तो लिखना शुरू हुआ है, हम यहाँ से लिखना शुरू किए हैं तो अब इसके ऊपर तो है नहीं कि वो ढूंढेगा, फिर डाउन करना पड़ता है इसको। अब फिर यहाँ पर डाउन करिएगा तो फिर ये नीचे की तरफ ढूंढेगा। ऐसे ही क्या होता है कि फाइंड सेलेक्ट कर देते हैं और कैन ढूंढ रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अप की तरफ है, अब यहाँ से आपका ढूंढेगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं फाइंड वाट पे सर्च कर देते हैं और उसके बाद ये फाइंड नेक्स्ट करते करते हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं होता है कि अब अप की तरफ तो ऊपर की तरफ तो है नहीं, अब डाउन करिए तो डाउन की तरफ ढूंढना पड़ेगा आपको। इस हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं, ये डायरेक्शन पे ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फाइंड पे चलते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। और जो ये फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इसी का शॉर्टकट होता है F3। तो या F3 आप प्रेस करिए, यहाँ पे कार्य करेगा। देखिए कीबोर्ड में आप F3 प्रेस करिएगा तो वहाँ पे कार्य करेगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, F3। अब ये विंडोज 10 लैपटॉप है, इसमें कुछ अलग फंक्शन दिया रहता है, इससे कुछ और हो रहा है। तो आप कीबोर्ड अगर लगाए हैं, मतलब जो कीबोर्ड मिलता है वो कीबोर्ड को आप लगाइएगा, तो उसके बाद उसमें आप F3 प्रेस करिएगा तो फाइंड नेक्स्ट करेगा। और कंट्रोल एफ से आप फाइंड ऑप्शन खोल सकते हैं, कंट्रोल एफ दबाइए, यहाँ से फाइंड ऑप्शन खोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैच केस रैप राउंड, यहाँ पे हमने डाउन की तरफ आपको कैन ढूंढा है। देखिए एक मिनट, फाइंड पे क्लिक करिए, फाइंड नेक्स्ट। अब इससे डाउन नहीं जा सकता, लेआउट सर्च कर लिया है। यहाँ पे हम चाहते हैं टैब सर्च करें, टैब टैब कहाँ कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट करिए। देखिएगा ध्यान से, अब बोल रहा है इससे नीचे नहीं है, और ऐसे ही अप की तरफ किए थे तो उससे ऊपर नहीं था तो नहीं हो रहा था, डाउन की तरफ भी वही कर रहा है। तो इसको हम बंद करने के लिए हम चाहते हैं कि ये वाला वार्निंग ना दे, ये वार्निंग जो मैसेज है ये ना दे। अब जैसे ही मेरा डाउन का ख़त्म हो जाए तो अपने आप वो ऊपर की तरफ ढूंढने लगे। तो आपको रैप राउंड ऑन करके रखना है और उसके बाद फाइंड करिए, आपको ऊपर से ढूंढना शुरू करेगा। अब देखिए नीचे तक ख़त्म कर दिया, फिर शुरू से ढूंढने लगा,
फिर स्टार्टिंग से ढूंढने लगा। तो एक बात का ध्यान रखिए, ये विंडोज़ 10 में दिया है, ये जो रेप राउंड है वो विंडोज़ 10 में दिया है। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो ये आपका ऑप्शन नहीं दिया होगा, सिर्फ उसमें मैच केस दिया होगा। अभी मैच केस भी बताते हैं। रेप राउंड का मतलब आप समझ गए, अगर ऑन रहेगा तो ये अप डाउन वाला प्रॉब्लम जो है वार्निंग मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा, नीचे ख़त्म हो जाएगा, फिर शुरू से हो गया। ठीक है, अब देखिए मैच केस क्या करता है। चलिए फिर वेब राउंड को हम बंद कर सकते हैं, वेब राउंड आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। मैच केस क्या करता है, ध्यान से समझिएगा इस बातों को। हम चाहते हैं कि इसमें से द मुझे ढूंढना है, टी एच ई द। आप तो आसानी से यहाँ से ढूंढ ही रहे हैं, जितनी द है कैपिटल में भी द लिखा है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड कैपिटल भी लिखा है मेरा। ठीक है, अब यही हम चाहते हैं कि मैच केस ऑन कर दें। जैसे ही मैच केस को ऑन करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसके नीचे द नहीं है, है यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये कैपिटल द है। अगर यहाँ पे हम कैपिटल द टाइप कर दें, टी एच ई कैपिटल द टाइप कर दें और मैच केस को ऑन कर दें, तो ओनली कैपिटल वाला ढूंढेगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक गया और बोल रहा है वार्निंग आ गया ना मैसेज, अगर इसी को रेप राउंड ऑन कर देंगे ये वार्निंग मैसेज नहीं आएगा। चलिए अब फाइन नेक्स्ट अप करते हैं। अब देखिए ओनली कैपिटल वाला ढूंढ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ओनली कैपिटल वाला ढूंढ रहा है, या आप F3 प्रेस करें या ये करें, स्मॉल लाइन ढूंढ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए मैच केस को भी ऑफ कर दें, ऐसे हम ढूंढना शुरू करें। चलिए यहाँ पे स्मॉल पे पहले ला लेते हैं, स्मॉल पे ला लिए। अब यहाँ पे हमने स्मॉल में द लिखा, द और मैच केस को ऑन कर दिया, तो अब देखिए ओनली स्मॉल वाला ढूंढेगा। वार्निंग दे दिया कि इसके नीचे नहीं है, है लेकिन ये कैपिटल है ना। तो मैच केस का क्या काम है कि आप समझ गए हैं कि यहाँ पे फाइंड वर्ड जैसा सेंटेंस लिखा होगा, या अपर केस या स्मॉल या कैपिटल जो भी लिखा होगा, लोअर केस में लिखा होगा तो यहाँ पर लोअर केस लिखेगा, मैच केस ऑन करेगा तो ओनली लोअर केस को ढूंढेगा, अपर केस को ढूंढना हो तो आपको अपर केस का ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर मैच केस ऑन करना पड़ेगा। अगर मैच केस ऑफ रहेगा तो ये सबको ढूंढेगा, कैपिटल और स्मॉल सबको। चलिए मैच केस भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, आप आसानी से ढूंढ रहा है, ओनली स्मॉल वाला ढूंढेगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, चलिए फाइंड के बारे में भी समझ गए हैं। वहीं आपका फाइंड नेक्स्ट के भी वही कह रहा था, फाइंड प्रीवियस का मतलब जो नेक्स्ट किए हैं आप प्रीवियस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है स्विफ्ट प्लस F3, स्विफ्ट दबाए रखिए, F3 दबाइए, सॉरी कीबोर्ड आप लगाइएगा तो आपका काम करेगा। ठीक है, फाइंड प्रीवियस किससे कर सकते हैं, स्विफ्ट प्लस F3 से, स्विफ्ट प्लस F3 से कर सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट किए हैं फाइंड नेक्स्ट उसी को फिर पीछे कर सकते हैं, प्रीवियस करते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे जाएगा और प्रीवियस करेंगे तो ये पीछे आएगा। ठीक है, अब चलिए रिप्लेस का क्या मतलब होता है। देखिए रिप्लेस और फाइंड थोड़ा बहुत सेम है, अगर फाइंड आप समझे हैं तो रिप्लेस में मुझे कुछ नहीं समझाना है। देखिए कैसे, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। अब हम चाहते हैं जहाँ जहाँ द है, ध्यान से देखिएगा, मैच केस को हम ऑफ कर देते हैं, रेप राउंड को भी ऑफ कर देते हैं। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ द है वहाँ वहाँ क्या लिख दें, डेट लिख दें, मान लीजिए डेट लिख दें, जहाँ जहाँ द लिखा था वहाँ वहाँ डेट लिखा था, डेट लिखना है। ठीक है, डेट लिखना है। अब उसके बाद हम करेंगे रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ इस वर्ड में द लिखा होगा ये है और जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ डेट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। अब इसमें ढूंढिए, इसमें ढूंढिए, जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ देखिए यहाँ डेट हो गया है। अब इसमें चलते हैं द ढूंढने की कोशिश करते हैं, फाइंड करिए और आप रेप राउंड को ऑन कर दीजिए, आप ढूंढिए, नहीं ना मिलेगा द, इसमें है ही नहीं, आपकी तरफ भी कर देंगे तो नहीं मिलेगा। यहीं पर आप फाइंड करके डेट ढूंढने की प्रयास करिएगा तो डेट आपको मिलेगा, डेट देखिए। ठीक है, द को रिप्लेस कर दिया डेट में। हम फिर चाहते हैं रिप्लेस करें
और अब फिर चाहते हैं कि यहाँ मुझे डैट करना है, डैट को फिर मुझे द में बदल देना है। द देखिए जहाँ जहाँ डैट लिखा था वहाँ वहाँ दी बदल जाएगा। एक रिप्लेस करिएगा सिर्फ, तो एक एक करके होगा। देखिए एक एक करके हो रहा है, फिर यहाँ आया है, यहाँ देखिए इसको रिप्लेस करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे करेगा द, फिर यहाँ भी करेगा द, ठीक है। और ऐसे ही देखिए इस मैच कैश को अगर ऑन कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जैसे ऑन करेंगे, अब यहाँ पर रिप्लेस करिए, रिप्लेस ऑल, तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ डैट ये स्मॉल मिला का हम लिखे थे तो वहीं हुआ है। देखिए यहाँ वाला नहीं हुआ है डैट, यहाँ वाले को करने के लिए आपको मैच केस को ऑफ करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस ऑल करिएगा तो ये सब जगह द अपना वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैच केस अगर ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मान लीजिए ये फोर जो है, फोर जहाँ जहाँ फोर लिखा है कैपिटल में, सिर्फ देखिएगा फोर लिखा है वहाँ वहाँ द में बदल जाए। तो चलिए रिप्लेस करिए, एक एक बदल रहा है, और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, सिर्फ कैपिटल में बदलेगा, सिर्फ कैपिटल में। मैच केस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फाइंड वाक में टाइप किए होंगे उसी को, उसी का रूप चलेगा मैच केस अगर ऑन रहेगा तो। अभी हमने फाइंड में भी समझाया था इसके बारे में। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है समझने में तो आप वीडियो में कमेंट करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए अब चलते हैं गो टू की तरफ। देखिए गो टू हाईलाइट नहीं हो रहा है, गो टू हाईलाइट करने के लिए कुछ रीज़न है। यहाँ पे गो टू हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है हम जब फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको बता देंगे, ये फॉर्मेट ऑप्शन जब बताएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की तरफ चलते हैं। तो सिलेक्ट ऑल का क्या मतलब होता है, ये आप ये मत सोचिए कि हमने ये गो टू को छोड़ दिया है, फॉर्मेट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मेट के बारे में यहाँ से शुरू करेंगे, फॉर्मेट व्यू हेल्प नेक्स्ट वीडियो में नोटपैड को ख़त्म कर देंगे, और कुछ बनाने के लिए भी बताएंगे नोटपैड में कैसे बना सकते हैं, और कीबोर्ड के बारे में बताना है मुझे। कल तो ये नोटपैड के बारे में ख़त्म हो जाएगा, पूरा बता देंगे, और साथ ही साथ उसके बाद हम कीबोर्ड के बारे में आपको बताएंगे, कीबोर्ड में जो जो बटन यूज है, मतलब यूज में आने वाली है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट ऑल का क्या मतलब होता है, कंट्रोल है, यही सब सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और डिलीट का तो आप जानते हैं, ये कीबोर्ड में डिलीट करिए या यहाँ से डिलीट दबा दीजिए, ठीक है। कंट्रोल जेड से फिर वापस ले लेते हैं। अब देखिए इसी में एडिट में क्या है, यहाँ पे टाइम और डेट है। टाइम और डेट कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कर्जर की बात करते हैं, ये जो कर्जर जहाँ रहेगा वहीं पे टाइम डेट आप चाहते हैं लाना, तो टाइम डेट क्लिक कर दीजिए। टाइम डेट जो सेट होगा आपके सिस्टम में वही आएगा। आप चाहते हैं यहाँ कर्जर ला दिए और यहाँ सेट कर दें टाइम और डेट, तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ कर दें टाइम और डेट, तो आप यहाँ कर सकते हैं। कर्जर जहाँ रहेगा वहाँ आप टाइम और डेट ला सकते हैं। अब हम कल इस फंड को बदलना सिखाएंगे, ये फंड के स्टाइल को कैसे बदलते हैं, आपको कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, बोल्ड रखना है कि नहीं, कुछ इस टाइप से, तो ये कल के वीडियो में आपको बताई जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, और इसमें कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है इस चैनल की मदद से। आप आसानी से घर बैठे आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए ताकि मैं उस पर एक बार और वीडियो बना दूं, या आपका कमेंट जो आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँ, ठीक।